पेड़ पौधे ही हमारे सुख समृद्धि के आधार, पेड़ पौधों से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़, या जिसे हम झाड़ी कह सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके फल का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इससे सब्जी बनती है, चटनी बनती है, मुरब्बा बनता है, अचार बनता है। और इसका ये ना केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें अनेकों औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। विटामिन सी के स्रोत है, इसमें भरपूर विटामिन सी पाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और भी कई बीमारियों में ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि इस पौधे को लोग अपने घर के आसपास नहीं लगाते हैं अब। लेकिन अब मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बीमारी के लिए जब हमें औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसमें एक नाम करौंदे का भी है। तो चलिए देखते हैं आज हम करौंदे के विषय में। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अब हमारे को मिलती नहीं है देखने के लिए, और पहले ये घर घर में लगती थी क्योंकि ये एक जंगली झाड़ी थी और इसे घर के बाहर हम लगाया करते थे। अक्सर ये घर के बाहर सब घरों में लगती थी, बच्चे जब स्कूल आते थे तो आते जाते इसे तोड़ के खाते थे और दो चार अपने बस्ते में भी रख के ले जाते थे, क्योंकि पहले के समय में ना तो रिक्शे से जाते थे और ना ही किसी ऐसे साधन से जाते थे, तो पैदल आते जाते थे और मौज मस्ती करते हुए आते जाते थे। और इसको, ये सब्जी भी इसको कह सकते हैं और फल भी कह सकते हैं, ये है करौंदा। बहुत खट्टा होता है और इससे विटामिन सी हासिल होती है, लेकिन चूंकि आजकल ये घरों के आसपास दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो सब लोग इसे भूल चुके हैं कि ये किस तरह का फल या सब्जी होता है। ये विटामिन सी का भरपूर साधन है, ये इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन हम लोग इसे लगाना भी भूल गए हैं इसके पौधे को, और खाना तो दूर दूर की बात है। और आपको बताऊं, इन दिनों में ये अत्यधिक महंगा, अर्थात कम से कम ये जो है 150-200 रुपए किलो मिलने वाला सब्जी या फल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसे कच्चा भी खाते हैं और सब्जी और अचार और मुरब्बा बना के भी इसको खाया जाता है। लेकिन चूंकि अब हम इसे लगाते ही नहीं है और घरों को हमने इस तरह से बना लिया है कि हमारे घरों में कच्ची ज़मीन ही नहीं है, मित्रों मैं आपसे निवेदन करती हूँ, चाहे कितना भी आलीशान घर क्यों ना हो, जब तक घर में दो चार फलदार वृक्ष ना हो तो वो घर घर जैसा ही नहीं लगता। लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि भौतिकतावादी के अनुसार हमारे घर जो हैं पहले बहुमंजिली इमारत में तब्दील हुए, और अब जो बड़ी बड़े कोठियाँ और घर थे उन्हें भी लोगों ने फ्लैट कल्चर में तब्दील कर दिया है, या फ्लोर वाइज वो मकान बनाए जा रहे हैं तोड़ तोड़ के, ताकि उसमें अधिक से अधिक लोग रह सके, किराया प्राप्त हो सके या अच्छी कीमत पे वो बिक सके। लेकिन अगर आपको जगह मिले तो अभी भी ऐसे लुप्त होते हुए फलों को, सब्जियों को आप अपने घर के आसपास लगाइए, क्योंकि ये तो जंगली झाड़ है एक तरह की, और इसे चाहे तो आप कहीं भी किसी भी जगह खुले मैदान में इसे लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार होगी, उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे नींबू और आंवले को हम कहते हैं कि हमारे लिए उत्तम होता है, उसी प्रकार ये करौंदा भी बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए माने जाने वाले सब्जी और फल में से एक है। तो आज मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि विटामिन सी हमें गोलियों के माध्यम से ही मिलती है, लेकिन नहीं, हमें ऐसे फलों के माध्यम से भी प्राप्त हो जाती है जो बहुत सस्ते और सुगम तरीके से हम अपने चारों तरफ लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसके फल के और सब्जी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, तो इसे आप सुनकर आपको लगा होगा कि आप अपने बचपन के दिनों में लौट गए हैं, जो मेरी उम्र की है वो अवश्य इस फल के बारे में पहले से जानते होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, नमस्कार।